फ्रेंड्स, बिना की दुनिया में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डबल कलर का डिजाइन शेयर कर रही हूँ। इस डिजाइन के लिए हमें दो कलर की ऊन चाहिए और 10 नंबर की सिलाई, और ये डिजाइन हमारा 2 के मल्टीपल से बनता है और 2 सिलाइयों में कंप्लीट होता है। हर कलर से हमें दो दो सिलाइयां बनानी है। देखिए फ्रेंड्स, बॉर्डर बनाने के बाद उल्टी साइड से एक सिलाई पूरी उल्टी बुनकर कंप्लीट करनी है। तो आप उसी सिलाई में फंदे बढ़ाने हैं तो फंदे भी बढ़ा सकते हैं, और 2 के मल्टीपल से अपने प्रोजेक्ट में फंदे एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से डिजाइन शुरू होगा। डिजाइन की पहली सिलाई है, पहला फंदा एज स्टिच से, तो इसे हम ऐसे ही उतार लेंगे। फिर एक फंदा ये वाला, यहाँ से डिजाइन शुरू होगा। ये बिना बुने उतारना है और यहाँ सेकेंड कलर लगाना है, और इस फंदे के पीछे से यहाँ एक एक्स्ट्रा फंदा लेना है हमें, और इस फंदे को ऐसे ही बिना बुने उतार देना है। तो इन्हीं 2 फंदों को रिपीट करते जाना है। एक यहाँ से लेना है फंदे के पीछे से, और इस फंदे को ऐसे उतार लेंगे। तो हर फंदे के पीछे से हमें एक एक्स्ट्रा फंदा लेना है और फंदे को बिना बुने उतार लेना है। तो पूरी सिलाई ऐसे ही कंप्लीट करनी है। एक फंदे के पीछे से एक एक्स्ट्रा फंदा लिया और इस फंदे को ऐसे उतार लिया, फिर एक एक्स्ट्रा फंदा लिया और इस फंदे को ऐसे उतार लेंगे। तो पूरी सिलाई ऐसे ही कंप्लीट करनी है। ऐसे फिर लास्ट का फंदा हमारा एच गया, इसे ऐसे ही सीधा बुन देंगे। अब दूसरी सिलाई है, उल्टी साइड है। उल्टी साइड हमें क्या करना है, इस फंदे को हम बिना बुने उतारेंगे और इसको जो हमने बिना बुने उतारा था इसको ऐसे उल्टा बुन देंगे। अब यहाँ क्या करना है, जो हमारा ये एक्स्ट्रा फंदा है जो हमने लूप से निकाल के लिया था उसे, और ये बिना बुने हुए फंदे को ऐसे 2 फंदों का एक करते जाना है। पिछली सिलाई में हमारा एक फंदा लूप से बढ़ गया था तो उसे हमें कम करना है। तो इस फंदे को ऐसे और इस वाले फंदे को इन 2 फंदों का एक करना है। ध्यान रहे कि हमारा लूप वाला फंदा पहले वाला होना चाहिए और फिर ये बिना बुने हुए फंदे को, तो इन 2 फंदों का एक करते जाना है। तो पूरी सिलाई में हमें यही रिपीट करना है, इन 2 फंदों को ऐसे 2 का एक करते जाना है। इस फंदे को और इस फंदे को 2 का एक, फिर इन 2 फंदों को 2 का एक करना है। तो जो फंदा हमारा बढ़ गया था इस सिलाई में हमारा कम हो जाता है, तो फिर हमारे पास पूरे फंदे हो जाते हैं। लास्ट में एज के फंदे इसे ऐसे ही उल्टा बुन लेंगे। तो एक कलर से हमारी ये 2 सिलाइयां यहाँ कंप्लीट हो गई हैं। अब यहाँ फर्स्ट कलर से फिर हमें बुनना है। तो जैसे हमने सेकेंड कलर से पहली सिलाई बनाई थी वैसे ही इस सिलाई को बनाना है। तो यहाँ सेकंड कलर लगा रहे हैं तो इस फंदे को ऐसे बुन लेंगे और इस फंदे को ऐसे ही बिना बुने उतार लेंगे। फिर यहाँ से इस फंदे के पीछे से हमें एक एक्स्ट्रा फंदा लेना है और इस बुने हुए फंदे को हमें ऐसे ही उतार देना है। जो हमारा ये फंदा है इसे ऐसे ही बिना बुने उतार लेंगे। हर फंदे के पीछे से हमें एक एक एक्स्ट्रा फंदा लेते जाना है और फंदे को हम ऐसे उतार लेंगे। फिर एक फंदा एक्स्ट्रा लिया और इस फंदे को बुनना नहीं है, इसे बिना बुने ही उतार लेंगे। तो इसी तरह पूरी सिलाई हमें कंप्लीट करनी है। 2-2 सिलाइयों का डिजाइन है, कलर चेंज करते रहना है 2-2 सिलाइयों में। फंदे के पीछे से ऐसे एक एक्स्ट्रा फंदा लिया और इसको ऐसे उतार लिया, फिर एक एक्स्ट्रा फंदा लिया और इसको ऐसे उतार लिया। इस लूप में से हमें इस फंदे के पीछे से एक फंदा एक्स्ट्रा लेना है और इस फंदे को ऐसे उतार लेंगे। ऐसे ऐसे
और फिर इस फंदे को बिना बुने उतार लेंगे। फिर इस फंदे को लूप से एक फंदा लेंगे और इस फंदे को ऐसे बिना बुने उतार लेंगे। फिर यहाँ लूप से एक फंदा लेंगे और इस फंदे को ऐसे उतार लेंगे। फिर इस फंदे के पीछे से एक एक्स्ट्रा फंदा लिया और इस फंदे को ऐसे ही उतार लेंगे। फिर एक फंदा यहाँ से लिया और इस फंदे को ऐसे बिना बुने उतार लेंगे। फिर लास्ट में दो फंदे हैं, इनके बीच से भी एक फंदा लिया, इस फंदे को बिना बुने उतारना है और ये लास्ट का एज का फंदा है, इसे सीधा बुन देना है। अभी दूसरी सिलाई है, कलर चेंज करने के बाद इस फंदे को बिना बुने उतार लेंगे और इस फंदे को हम उल्टा बुनेंगे। अब जो लूप से हमने ये फंदा निकाला था, इसको और ये बिना बुने हुए फंदे, इन दो फंदों को एक साथ बुन लेना है। हर बार हमें ऐसे ही करना है, उल्टी साइड जो बिना बुना हुआ फंदा है और ये उतारा हुआ फंदा, इन दो फंदों को, सॉरी जो हमारा लूप वाला फंदा है और ये बिना बुना हुआ फंदा, इन दो फंदों को एक करना है। तो पहला हमारा लूप का फंदा होना चाहिए, फिर ये उतारा हुआ फंदा, तो इन दो फंदों को एक करते जाना है। पूरी सिलाई इसी तरह कंप्लीट करनी है, एक दो, दो फंदों का एक। तो जो हमारा लूप से फंदा बट गया था वो इस सिलाई में दो का एक करने से कम हो जाता है। लास्ट में एक फंदा बचा, इसे ऐसे ही उल्टा बना लेंगे। तो इस तरह फ्रेंड्स, दो दो कलर से मैंने दो दो सिलाइयाँ आपको ये बना के दिखा दी हैं। तो मैं थोड़ा सा और बुन लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, दोनों कलर से दो दो सिलाइयाँ बुनते हुए मैंने ये यहाँ इतना बना लिया है। तो इन्हीं दो दो सिलाइयों को कलर चेंज करते हुए बुनते जाना है। तो बनने के बाद ये डिजाइन ऐसे दिखता है। आप इसे मल्टी कलर में भी बना सकते हैं, जैसे मैंने दो कलर लगाए हैं, आप इसमें तीन या चार कलर भी लगा सकते हैं। हर दो सिलाई के बाद कलर चेंज करते जाना है। और इस डिजाइन को आप बेबी और प्रोजेक्ट लेडीज कार्डिगन में भी डालेंगे तो बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये डिजाइन कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।